हाय गाइस, नमस्ते। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ हरी मिर्ची के अचार की रेसिपी। अचार हमें खाने में सर्व कर लेते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है और बहुत इजीली हम घर पे बनाते हैं, तो इसकी रेसिपी मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी। तो बताइएगा कि आपको ये कैसी लगी मेरी आज की रेसिपी। प्लीज़ कमेंट्स करिएगा, लाइक करिएगा एंड सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हम ये अचार की रेसिपी। ये यहाँ पे मैंने ली हुई है हरी मिर्ची, जिनको मैंने धो के सुखाने के लिए रख लिया था, और ये लिए है मसाले अचार में डालने के लिए: ज़ीरा, हल्दी पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर, और लिया है मैंने ये लिए हैं मेथी दाने, कलौंजी, अनियन सीड, और लिया है सौंफ। ये अचार में पड़ते हैं जो मसाले, और लिया है सरसों का ऑयल। तो इन मसालों को हम ग्राइंडर में ग्राइंड कर लेंगे, या अगर आप ग्राइंडर में ग्राइंड करना चाहो तो उसमें कर ले, नहीं तो मैं तो आज इसको हाथ पे ही कूटने वाली हूँ, क्रश कर लूँगी हल्के फुल्के। इनको फुल नहीं हमें ना ग्राइंड करना है, थोड़े से क्रश करने हैं, बिल्कुल पाउडर नहीं बनाना है हमें इन मसालों का। तो ये मैं हाथ से इसके मैं इसको कूट लूँगी ओखली में। ये देखिए, मैंने इसको यहाँ पे इसका पाउडर नहीं बनाया है, बस हल्का सा इसको कूट लिया है, क्रश कर लिया है। और ये मैं ले रही हूँ कलौंजी, इसको भी हम ऐसे ही इस तरह से ही क्रश कर लेंगे। और साथ में अभी हम लेंगे सौंफ, इसको भी हम क्रश कर लेंगे इस तरह से। मिक्सी में अगर मैं कर लेती तो शायद मुझे पाउडर बन जाता, इसलिए मैं इसमें ही कर रही हूँ हाथ पे, ताकि इसकी हम जब फिलिंग करेंगे मिर्ची के अंदर और ये खाने में थोड़े से टेस्टी भी रहेंगे, तो इसलिए मैं इसको बस थोड़ा सा ही इसको क्रश कर रही हूँ। और ये लास्ट टाइम कर लेंगे जीरे को। और अब हम करेंगे राई को इस तरह से क्रश, राई तो फटाफट से ही हो जाती है, और अब इसको हम ऐसे क्रश कर लेंगे। कर रहे हैं लाल मिर्ची पाउडर और हल्दी पाउडर, और अब हम इसमें ऐड करेंगे नमक, और मैं थोड़ा सा इसमें नींबू का रस निचोड़ के डाल दूँगी। ये हाफ लीमू का मैंने इधर इसमें निकाल दिया है, और अब इस मसालों में मिक्स करके हम बाद में मिर्ची के अंदर फिलिंग करेंगे। इसमें सरसों का तेल डाल रही हूँ, और अब हम इस मिर्ची को फिल करेंगे इन मसालों से। इस तरह से ही मैंने सारी मिर्ची को फिल कर दिया है। अभी हम एक जार में इनको डाल रहे हैं, मैं अभी नॉर्मल क्वांटिटी में डाल रही हूँ अचार, ज़्यादा नहीं डाल रही हूँ। तो इसमें ऑयल भी मैं नॉर्मली डालूँगी ताकि ज़्यादा ऑयली नहीं हो। अगर मुझे काफ़ी क्वांटिटी में बनाना हो तो मैं इसमें ज़्यादा ही ऑयल डालूँगी, ताकि ये पूरी मिर्ची डिप रहे, ताकि 6 महीने तक, 5 महीने तक जैसे हम यूज़ करते हैं तो ये प्रिजर्वेटिव रहते हैं, काफ़ी दिनों तक चल जाते हैं। और ये मैं डाल रही हूँ लीमू, लीमू से इसमें थोड़ा सा खट्टापन आ जाएगा और बहुत अच्छा रहता है। अगर आप चाहे तो सुरका भी ऐड कर सकते हैं या अमचूर पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, पर मैंने लीमू का हाफ ऐड किया था। और तीन, और अब हम इस अचार को ऐसे रख लेंगे 1 से 2 दिन तक, ये बिल्कुल रेडी हो जाएगा। और किसी को अगर ऐसे कच्चा खाना पसंद है तो वो ऐसे भी यूज़ कर सकते। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये रेसिपी? प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू वॉचिंग माई चैनल।